आपके लाइफ की ना लगभग 90% प्रॉब्लम्स की एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्या? आपकी ब्रेथ, आपकी सांसें। इसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचो कि जब आपका जन्म होता है और मृत्यु तक कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहती है बिना रुके, वो आपकी ब्रेथ है, आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें। तो अगर आप इस पे काम कर लेते हो तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको टफ लगेगी या फिर डिफ़िकल्ट लगेगी। आप खुद सोचो कि कोई भी प्रोफेशन हो, वो स्टडी हो, वो सिंगिंग हो, वो डांसिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो कॉमेडी हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप हो, कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना ज़रूरी नहीं होता और आपका जो हर हर जगह पे कंसंट्रेट करना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडी में तो कंसंट्रेशन ही तो सबसे बड़ा खेल है। जिसका जिसका कंसंट्रेशन अच्छा है वो तो मतलब उसका तो फिर बन गया, उसका बेड़ा पार है ना। ये चीज़ आपको पता है कि कंसंट्रेशन, फोकस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप ये भी जान लो कि आपकी कंसंट्रेशन को अगर यहाँ पे है ना तो वहाँ पे ले जाने के लिए भगवान ने आपको वो शक्ति दी है, आपकी सांसें। आपकी सांसें केवल आपके मेंटली, आपके मेंटल पीस, आपके कामनेस को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा होगा, आपके अंदर कितना स्टैमिना होगा, आप कोई भी काम कितनी शिद्दत से कर पाओगे, कितने हेल्दी रहोगे आप, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रीदिंग। तो आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ। और यहाँ पे सक्सेस का मतलब बस वो मटेरियल सक्सेस ही नहीं, स्पिरिचुअल और हर तरीके की सक्सेस है, ठीक है? तो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी कुछ वक्त पहले, मैंने सुनी थी और मैंने अपनी ब्रीदिंग पे काम किया और बहुत बहुत ज़्यादा उसका रिज़ल्ट आया मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंज आया। कभी कभी कुछ चीज़ें यू नो दिखती नहीं हैं, मटेरियल नहीं होती हैं, लेकिन मेंटली अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाना, अपने डर को ओवरकम कर पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आपके पता है असली जीत कब होती है? जब आप अपने अंदर के उस डरे हुए इंसान से जब आप जीत जाते, जब आप उसको एक शक्ति देते हो कि नहीं यार तू बहुत स्ट्रांग है, और वो चीज़ें आती हैं आपके सांसों से। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत सिंपल है। आपको अपने सांसों पे ध्यान देना है। आप कभी भी खाली बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, आप ट्रैवलिंग में हो, यू नो यू आर ऑन द रोड, आप रोड पे चल रहे हो, एनी वेयर यू आर, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। एंड एक बार जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी, आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। यू नो आज की यूथ की, जेंजीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स एंड, और इन सब रील्स देखने से जो अटेंशन स्पैन है ना हम लोगों का वो भी बहुत कम हो गया है। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सांसें। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी सांसों के, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को जानो। और इसके लिए सबसे अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है सुबह में, आप मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। यू नो बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिटेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इतनी टेक्नोलॉजी में इतना नहीं जानना है तो सिंपली बैठो और अपने सांसों को ध्यान दो। कुछ वक्त के बाद आप देखोगे ना आपका माइंड बहुत शांत हो गया है। एंड उसके बाद इफ़ यू विल गो फॉर स्टडी, इफ़ यू विल गो फॉर योर वर्क, जो भी आपका काम है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे आपकी जो सांसें कंट्रोल में आने लगती हैं तो आपके अंदर ना एक गहराई आती है, आपके विचारों में, आपके थॉट्स में एक अंडरस्टैंडिंग आती है और एक समझने की जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आता है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की, लेट से आप मेंस की प्रिपरेशन, आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो एंड आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, तो एक जब आपके अंदर ठहराव होगा ना तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने खुल के आएंगे, आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब यार इस पे अगर मुझे अगर बोलना हो तो घंटों घंटों मैं बोल सकती हूँ कि ब्रीदिंग पे को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग पैटर्न को जानना, ब्रीदिंग पे काम करना, इसके कितने कितने लाभ हैं, कितने कितने बेनिफिट हैं, बहुत लाभ है, एंडलेस लाभ है। प्लीज़ टेल मी
आपका मेडिटेशन को लेकर के क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इफ़ यू डू, एंड अगर नहीं तो यार प्लीज़ स्टार्ट करो. मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. हर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट आउट होने लगती हैं और चीज़ें समझ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग ना, आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है. और अगर आपकी सांसें स्लो रहेंगी, आपका अपनी सांसों पे कंट्रोल होगा, तो आपका जो हार्ट अटैक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी होने की चांसेस बहुत कम होते हैं. तो आपका लंग्स, आपके फेफड़े, उनकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज होती है, तो आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहोगे. तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि प्लीज़ वर्क ऑन इट ब्रेथ. बस देखो इसको एंड आप पाओगे कि बहुत ड्रामेटिक, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है आपकी पूरी लाइफ में. सो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच. प्लीज़ राइट योर एक्सपीरियंस इन कॉमेंट बॉक्स. एंड या मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि इस चैनल का पर्पस ये है, एक लर्नर है, हम लोग लर्नर्स हैं और हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है. और या सो बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच.